पीएचडी करने जा रही हूँ और मुझे रिसेंटली एक्सेप्टेंस मिली है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से यू एस से तो वहाँ मैं पीएचडी करने के लिए जा रही हूँ और आ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ़ रिलीजन में जा रही हूँ बल्कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ़ हिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ मैं हार्ड को हिस्टोरिकल स्टडीज़ से आती हूँ लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मैंने डिटोर लिया है लेकिन जो भी मेरा रिसर्च है वो हिस्टोरिकल मैथडोलॉजी से ही होना है Uh, और डिपार्टमेंट ऑफ़ रिलीजन्स जो होते हैं तो इट्स नॉट लाइक थियोलॉजी बट इट्स इट इट डील्स विद लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज एंड क्रिटिकल वेज़ ऑफ लुकिंग एट रिलीजन सो ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि आगे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि डिपार्टमेंट्स uh, वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं वैन यू अप्लाई फॉर योर पी तो मैं शेयर करती हूँ एक प्रेजेंटेशन एंड आई एल ट्राई टू लिस्ट आउट द वे स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस क्या होता है एप्लीकेशन का यू एस एू एस ए में और उसके बाद एक डिस्कशन होगा जहाँ पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं तो आप जह, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जितना मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगी जो मैं जवाब नहीं दे पाई तो मैं अपना ई मेल छोड़ जाऊँगी तो आप मुझे ई मेल कर सकते हैं तो मैं उस उस जवाब को खोजने की कोशिश करूँगी और आपको भेज दूँगी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने प्रेजेंटेशन uh, का अभी आप लोग देख सकते हैं क्या मेरी स्क्रीन जी दिख आ, जी दिख रही है है ठीक ओके सो so, पीएचडी uh, करने इंपॉर्टेंट जो, जो सबसे पहला स्टेप है पीएचडी करने का वो है फर्स्ट स्टेप यू मस्ट आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मुझे सच में पीएचडी करनी है या नहीं करनी है क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लोग बहुत सारे लोग पीएचडी में यूं ही घुस जाते हैं कि अभी कुछ खास करने को है नहीं या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है उस तरीके से जैसा अच्छा चाहिए था या ज्यादा ऑप्शंस नहीं है या एमए कर लिया एम कर लिया तो चलो पीएचडी भी कर ही लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी सवाल हमें पूछ लेना चाहिए खुद खुद से इस प्रोसेस में घुसने से पहले क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस इट टेक्स योर मनी इट टेक्स योर टाइम इट टेक्स योर एनर्जी एंड बाय हाउ बहुत डिमांडिंग होता है तो Uh, आप सच में करना चाहते हैं क्या नहीं आप अपनी जिंदगी के पाँच साल या छः साल uh, इस एक टॉपिक को पढ़ने में लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं क्या जो आप का टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि पाँच साल तक उस पर काम हो सकता है और uh, या फिर uh, क्या आपके एरिया में ऐसे स्कॉलर्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं क्या आप पीएचडी करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है आप पीएचडी इसलिए करें क्योंकि आप क्लियर हो आपके दिमाग में कि मैं एकेडमिया में जाना चाहती हूँ मैं लेक्चरारशिप में जाना चाहती हूँ मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ या मैं एक स्कॉलर बनना चाहती हूँ या मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ तो अगर ये सारे आइडियाज क्लैरिटी है तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं ऐसा रेकमेंड करूंगी कि आप बात करें लोगों से जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं और उसके बाद अपना एक जहन बनाए लेकिन ये डिसीजन लेना कि मैं करना चाहती हूँ नहीं मैं उस फील्ड में उतरना चाहती हूँ कि नहीं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी टेकन विद लॉट ऑफ सिंसियरिटी एंड केयरफुलनेस ठीक है दैट इज द फर्स्ट स्टेप द सेकेंड स्टेप इज टू यू नो आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च एरिया अब पीएचडी करनी है ये तो मन मना लिया मैंने लेकिन मेरा रिसर्च एरिया क्या होगा मेरा टॉपिक कैसा होगा और मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे किस एरिया में रिसर्च करना है और मेरा टॉपिक होना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे ये जहन में था कि अगर मैं अपनी जिंदगी के पाँच साल या छह साल क्योंकि यूएस में जो पीएचडी होती है वो यूजुअली पाँच साल की होती है लेकिन अगर आप सही से कंप्लीट नहीं कर पा रहे अपना रिसर्च तो छः साल तक एक्सटेंड कर दी जाती है आ, तो अगर मैं अपनी जिंदगी की पाँच या छः साल लगा रही हूँ किसी और मुल्क जाकर और इतना पैसा खर्च होगा और काफ़ी अपने रिश्तेदारों दोस्तों से दूर हूं मैं तो क्या सच में मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं काम करने के लिए आ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं काम करने के लिए तैयार हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेकर कि मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए तो उसमें काफी लगती है बहुत सोचना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए द बेस्ट वे टू जस्ट गो बाय योर इंटरेस्ट फॉलो योर इंस्टिंग सो अभी मैं जैसे हूँ मैं जैसे मैंने बताया कि मैं हार्ड कोर हिस्टोरिकल स्टडीज से आती हूँ और हिस, हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ मैं लेकिन तो मेरा इंटरेस्ट जो रहा है बहुत ज्यादा वो कॉन्टेम्प्रेरी uh, रिलीजन और पॉलिटिक्स में रहा है मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें मुझे मज़ा आता है पढ़ने में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत समझ भी आ जाती है ये चीजें मुझको तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी चीज जगह जाऊं जो उसमें मुझे सही में इंटरेस्ट है और मास्टर्स करते वक्त शायद मुझे ये थोड़ा सा रियलाइज भी हो गया था कि मैं बहुत अच्छी हिस्टोरियन नहीं बन सकती स्कॉलर बन सकती हूँ शायद थोड़ी बहुत लेकिन हिस्टोरियन बहुत अच्छी तो नहीं बन सकती एंड इफ आई कैन नॉट बी वेरी गुड एट समथिंग देन व्हाई शुड आई डू इट तो मेरा तो यही सोचना था मानना था तो इसलिए मैंने अपना डिटोर लिया मैं हिस्टोरिकल स्टडीज से रिलीजियस स्टडीज की तरफ चली गई uh, तो फर्स्ट इज लाइक टू यू यू आस्क योर सेल्फ वट इग्नाइट्स योर इंटरेस्ट कौन सा एरिया आपको करता है आप सोशियोलॉजी में जाना चाहते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन आप एंथ्रोपोलॉजी में जाना चाहते हैं आपको फील्ड करना बहुत अच्छा लगता है uh, या आप हिस्टोरिकल स्टडीज में है लेकिन आपको कास्ट पे पढ़ना तो आप पढ़नालॉजी में भी जा सकते हैं सो यू नीड टू टू आस्क टूर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऐसा अपने गिरबान में झाँकना अपने अंदर झाँकना अपने अपने आप से सवाल पूछना जरूरी होते हैं uh, तो ये है फर्स्ट चीज कि यू शुड सेलेक्ट अ टॉपिक विच इग्नाइट्स योर इंटरेस्ट दूसरा रिसर्च uh, एरिया कैसे होता है uh, आप Uh, कैसे वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको आपके टॉपिक में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो पांच साल तक उस पर काम हो सके पांच साल मैं ज्यादा बढ़ा के बोल रही हूँ क्योंकि जो पीएचडी होती है यूएसए में उसका कैसा उसका जो आ, आ, डाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं उसे कि जो पहले के दो साल होते हैं वो कोर्स वर्क होते हैं यानी आपको पढ़ाते हैं बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज पढ़ाते हैं जो आपको वो तैयार करते हैं आपको पीएचडी करने के लिए मेथड आपको समझाते हैं कि कैसे होती है पीएचडी आपको क्या क्या पढ़ना आपको अच्छी खासी किताबें पढ़ी रखनी चाहिए आपको अच्छे खासे जर्नल्स पढ़े होने चाहिए कुछ पता होगा तभी तो फिर रिसर्च कर सकते हैं तो दो साल तो कोर्स वर्क होता है और बाकी तीन साल जो आपका थीसिस फेज होता है दो साल कोर्स करने के बाद क्या होता है कि एग्जाम होता है जिसे जनरली जनरल एग्जाम्स कहते हैं आ, तो जनरल एग्जाम्स में दो साल में आपने जो भी पढ़ा वो उसका एग्जाम होता है और आपको अपना फिर आ, प्रॉपर थीसिस प्रोपोजल लिख के देना होता है एप्लीकेशन के टाइम पे आपको जो प्रोपोजल लिखना होता है वो तो शॉर्ट में लिखते हैं तो वो बहुत ही डिटेल्ड होता है कि मैं इस इस एरिया में ऐसे इस ऐसे रिसर्च करूंगी तो पहला दो साल कोर्स वर्क और बाकी का तीन साल थीसिस का होता है तो आपके पास इतना टाइम होना आपका टॉपिक इतना आ, ऐसा होना चाहिए कि उस पर तीन साल लगाने लायक हो वो टॉपिक इतना कुछ छोटा सा अगर आपने चुन लिया फॉर इंस्टेंस की आ, आ मैंने चुन चु लिया मतलब कुछ भी ऐसा छोटा टॉपिक टॉपिक जो जो एक साल में ही खत्म हो जाए तो वो पीएचडी के लायक नहीं है तो इतना उसमें पोटेंशियल होना चाहिए कि उस पर बहुत लंबी इंक्वायरी हो सकती है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब आप रिसर्च एरिया चूज कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट्स फीजिबिलिटी इज इट्स डूएबिलिटी यानी कि अगर फर्ज कीजिए कि मेरा टॉपिक है

या फिर अगर टेक्सचुअल नहीं है तो क्या फील्ड पे कितना काम हो सकता है जैसे तबलीगी जमात के आप इजतमे वगैरह में में जा सकते हैं ठीक है तो उनकी किताबें क्या उनके सोसेज क्या है पहले नाइन, वो ये जो जो, जो ये मूवमेंट जो है वो ट्वेंटी सेंचुरी का है तो ट्वेंटी सेंचुरी में क्या किताबें लिखी गई वो मैं पढ़ वो वो है सोर्सेज मेरे पास एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है तो दैट इज़ यू मस्ट आस्क योर सेल्फ जो आपका टॉपिक है उसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अभी सोर्सेज तो है तबलीगी जमात को पढ़ने के लिए Uh, लेकिन वो उर्दू में है और वो अरेबिक में भी है तो क्या मुझे आती है उर्दू या मुझे अरेबिक आती है तो अगर नहीं आती तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी अभी मेरा सोर्सेज है अब मैं फ्रेंच में कोई सोर्स लिखा हुआ है तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी मुझे फ्रेंच सीखनी पड़ेगी तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू पी एच डी स्पेशली इन सोशल साइंसेज क्योंकि लैंग्वेज का मसला वहीं पे सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सोर्सेज पढ़ने होते हैं अभी लैंग्वेज में दूसरी बात क्या है अभी जैसे उर्दू तो मेरे मुझे आती है ठीक ठाक लेकिन अरबी uh, मुझे बस रीडिंग नॉलेज है लेकिन हल्की सी नॉलेज है मेरे पास अरेबिक की तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं पी में करते करते मैं अरेबिक सीख सकती हूँ तो लैंग्वेजेस का मसला आपको पहले ही हल करना होगा क्योंकि क्या होता है पीएचडी में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो इवन इफ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऐसे हार मानने की जरूरत नहीं है ऐसे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है जैसे मुझे अरेबिक नहीं आती है मतलब उसका ग्रामर नहीं आता मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन कुछ सोर्सेज है अरेबिक में वेरी इंपॉर्टेंट विच रीड तो मुझे पीएचडी में ये अलाउड uh, है कि मैं लैंग्वेज सीख सकूं साथ 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 में पढ़ते पढ़ते साथ में मैं लैंग्वेज भी सीख सकती हूं। uh, तो uh, जैसे अगर मैं पीएचडी करने जाऊंगी तो मुझे क्लासेस लेने अ मस्ट फॉर मी और जो आपका एडवाइजर होते हैं जो आपके सुपरवाइजर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा लैंग्वेज सुटेबल है जो आपको आपके रिसर्च में मदद करेगा सो द सुपरवाइजर हेल्प्स यू चूज योर लैंग्वेज सो माई लैंग्वेजेस आर उर्दू एंड अरे प्राइमरीली लेकिन कुछ हिंदी भी है तो मेरे उर्दू और हिंदी तो सॉर्टेड है और अरेबिक में मुझे मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो अरेबिक मुझे जाके ही शुरुआत करनी पड़ेगी वहां सीखने की ठीक है दूसरा क्या होता है कि अः अः यूएसए में पीएचडी में अगर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में तो आपको फ्रेंच और जर्मन की क्लासेस भी लेनी पड़ती है और वो पढ़ने में तो बहुत लगता है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में जब आप पढ़ते हैं कि अरे फ्रेंच और जर्मन भी सीखनी पड़ेगी कैसे सीखूंगी मेरे पास इतना कम टाइम है लेकिन सच ये है कि बस आपको उसका एक बेसिक एग्जाम पास करना पड़ता है तो वो सब कोई कर लेते हैं और दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बिकम मास्टर्स एट फ्रेंच एंड जर्मन बस एक एग्जाम पास करना होता है जस्ट जस्ट लाइक लाइक एन यू नो ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे कर लिया तो इतना डरने की जरूरत नहीं बस जो आपका रिसर्च एरिया में लैंग्वेज है, तो गुजर, है गुजरात में बेस्ड है तो अगर आपको गुजराती आती है प्लस पॉइंट एंड इट विल बी कंसिडर्ड जब आप अपने एप्लीकेशन में बताएंगे कि मुझे गुजराती आती है तो इट विल बी अ प्लस वो आपके सिलेक्शन में मदद करेगा सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट या आप कश्मीरी पॉलिटिक्स uh, uh, को पढ़ रहे हैं और आपको कश्मीरी आती है तो दैट्स वेरी गुड क्योंकि कश्मीरी में हैं या सोर्स में पढ़ रहे हैं या यू नो तमिल में पढ़ रहे हैं सो लैंग्वेजेस आपको सॉर्ट कर लेनी चाहिए और अगर नहीं आती हैं तो आप देख लीजिए कि आप उसको सीख सकते हैं या नहीं ठीक है सो दैट इज वन सो फिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आइडेंटिफाइंग रिसर्च एरिया मैंने आपको बता दिया कि पहला क्या होना चाहिए आप टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपको इंटरेस्ट करना चाहिए क्योंकि पांच साल आपको इतने सारे साल लगाने उसमें खुद ही हम बोर हो गए अपने टॉपिक से तो फिर क्या फायदा अच्छा काम नहीं निकलेगा तो क्या फायदा दूसरा कि उसके इतनी उसमें ताकत होनी चाहिए उसके टॉपिक में कि उसको तीन चार साल तक पढ़ा जा सके और चौथा उसकी डुएबिलिटी की हो सकता है कि नहीं क्योंकि हवा में तो बात करनी है नहीं हमें पीएचडी में यू नो सस्टेन्ड और सेंसिबल रिसर्च करना है तो उसकी डुएबिलिटी शुड भी आपको प्रूव करनी पड़ेगी अपने एसओपी में प्रोपोजल में आपने कि ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है लायक है पढ़ने के ठीक है सो दैट इज द सेकंड स्टेप

कौन होगा मेरा सुपरवाइजर कैसे कर दे कैसे है इसका ये कैसे देते हैं, वो कैसे देते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको इंटरनेट के साथ बैठना पड़ेगा और जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मैंने किसी से मतलब कोई किसी ने किसी से पूछा नहीं मैंने ये कैसे अप्लाई करते हैं कैसे नहीं करते हैं क्या प्रोसीजर होता है मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा बस मैंने थरो वेब सर्च किया है कि पचास हजार वीडियोज देखी होंगी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे तो मुझे लास्ट में इसकी वजह से सब कुछ समझ में आने लगा और इसके वजह से ही ये वेब सर्फिंग की वजह से ही मैं अप्लाई कर पाई ऑनेस्टली क्योंकि खास मैंने किसी से कोई बात नहीं करी थी बस छोटे मोटे सवाल जो मैंने पूछे थे तो पहली चीज क्या है जब आप अपना वेब सर्च करेंगे कि आप पहले ये आपको सॉर्ट आउट करना है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी uh, में अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी में भी कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करने वाले हैं आप तो फॉर इंस्टेंस अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्टोरिकल स्टडीज में आप तो आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं अभी आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री तो कहाँ कौन से डिपार्टमेंट किसके डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में तो आपको देखना पड़ेगा कि यूएस के कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो जहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट है यू नो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस तो आप जस्ट बेसिक गूगल सर्च कर सकते हैं आपकी कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज इन यूएस यूएसएफरिंग हिस्ट्री पी एच डी इन हिस्ट्री बस ऐसे करके आपने गूगल सर्च किया तो उस पर लिस्ट आ जाती है कि ये ये यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ जहाँ हिस्टोरिकल स्टडीज होती हैं तो आपने वो गए आप फिर वो आपने लिस्ट देखी अब क्या करिए आप जब आपके पास वो लिस्ट आ गई कॉलेजेस की कि ये ये यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टेंस स्टैनफर्ड है हार्वर्ड है प्रिंसटन है जो भी है कोलंबिया है यहाँ यहाँ हिस्टोरिकल स्टडीज होती हैं तो अभी आपको क्या करना है हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे जाके थरो रिसर्च करना है आप उनके हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट के उसमें जाइए वेबसाइट के कि उनका हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे जाइए कोलंबिया के फॉर इंस्टेंस और पढ़िए कि कैसे वो काम करते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है सबसे अच्छी बात यूएस यूनिवर्सिटीज की ये है कि उनके जो वेबसाइट्स वगैरह है वो बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत ही अच्छे से सब कुछ दिया हुआ होता है सब कुछ क्लियर आउट किया होता है कि आपको लास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता आप उनके पेजेस वेब पेजेस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है तो आ, पहली चीज तो यही है कि आप अपने यूनिवर्सिटीज सॉर्ट करिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे हिस्टोरिकल स्टडीज होती हैं या सोशियोलॉजी में स्टडीज होती है जहां भी, भी अप्लाई कर रहे हैं या बायोलॉजी में अप्लाई करें तो बायोलॉजी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में होती है और अगर वो डिपार्टमेंट में जाइए फिर उनके फिर कौन लोग पढ़ा रहे हैं उसकी फैकल्टी को देखिए दूसरा पॉइंट पढ़ा कौन रहे वहाँ पे और उनके अंदर प्रोफेसर कौन है क्योंकि फैकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिकॉज यू नो वो आपको गाइड करेंगी फैकल्टी uh, एक सेकेंड मैं हाँ सॉरी तो अभी क्या है कि आपने एक बार अपना डिपार्टमेंट वगैरह देख लिया मैं मैंने क्या किया था मैं आपको बताती हूँ मुझे जानना था कि रिलीजियस स्टडीज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है तो मैंने सिंपल सा गूगल सर्च किया यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग रिलीजियस स्टडीज इन दू एस एक लिस्ट आ गई मैंने हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गई मैं और सबके बारे में पढ़ा कि कहाँ यहाँ हो रहा है क्या हो रहा है अब उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती कि जगह कौन सी है एक जगह है रोड आइलैंड आप रोड आइलैंड नहीं जाना चाहते हो वहां पे बहुत कम लोग हैं आप रह नहीं पाएंगे पांच साल इतने दिनों के लिए तो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए कहाँ हो रहा है या ईस्ट कोस्ट में न्यूयॉर्क जाना चाहेंगे तो हाँ जा सकते हैं अभी एकदम से ओहायो में क्लीवलैंड ओहायो ओहायो शायद आपको बहुत अच्छी जगह ना लगे तो ओहायो नहीं जाना चाहते हैं या आयोवा आप नहीं जाना चाहते तो फिर आपको ये सब आप फिल्टर करना शुरू कर दीजिए कि मुझे यहाँ 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 यह अप्लाई नहीं करना मैं इन इन इन, इन, इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहूंगी और आप देखिए फिर वहाँ पढ़ा कौन रहा है वहाँ की फंडिंग कैसी है वो और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है तो आप ये सारी चीजें उनके वेबसाइट पे बहुत क्लियरली मैंशन होती है तो जब आप ये देखने लगेंगे हर यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं इस इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती हूँ तो आपकी एक लिस्ट तैयार होती जाएगी मैंने क्या किया था मैंने एक अच्छा सा गूगल डॉग बनाया था आप भी चाहते हैं आप गूगल डॉग बना लीजिए एक्सेल डॉग बना लीजिए और उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी लिस्ट करिए ये यूनिवर्सिटी का नाम है फॉर इंस्टेंस स्टैनफोर्ड इज द यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में ये डिपार्टमेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट है जी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन से फैकल्टी है जो uh, मेरे एरिया में एक्सपर्टीज रख रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है स्पेन की भी हिस्ट्री है और यू नो मिडिल ईस्ट की भी हिस्ट्री है लेकिन साउथ ईस्ट एशिया की भी हिस्ट्री है और इंडियन की हिस्ट्री भी है साउथ एशिया की भी हिस्ट्री है तो साउथ एशिया में कौन कौन सी फैकल्टी उसके नाम मैंने चुन ली कि साउथ एशिया में अच्छा ये ये फैकल्टी वहाँ पढ़ा रही है इनके अंडर मैं काम कर सकती हूँ ठीक है वो नाम लिख लिया मैंने फंडिंग के बारे में लिखा कि ये फंडिंग इनकी कैसी है ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है या पार्शियली फंडेड है फंडिंग अभी मैं अच्छे से समझा दूंगी अः ये लिख लिया कि फुल्ली फंडेड है पार्शियली फंडेड है और चौथा मैंने जो कॉलम है कि एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है क्योंकि मुझे जब अप्लाई करूँ तो मुझे क्या क्या देने की जरूरत है मुझे अपनी मार्कशीट देने की जरूरत है मुझे अपनी सीवी देने की जरूरत है मुझे अपनी अः स्टोफल इस कोर्स देने की जरूरत है एसओपी देने की जरूरत है वो सब लिस्टेड होता है तो एक डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा कहाँ क्या था सो मेक मेक एन अ गूगल डॉक और मेक एन एक्सेल डॉक और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट करते जाइए जैसे ही आप अपना वेब सर्च करते जाए कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटीज पता होनी चाहिए मैं कहा अप्लाई करी हूं, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करी फर्स्ट थिंग कि uh, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रही थी वो ये था कि थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है चीज ट्रिकी क्या होता है फॉर इंस्टेंस आप हैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट फॉर इंस्टेंस और इतने सारे सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट्स नहीं है यूएस की यूनिवर्सिटीज में फॉर इंस्टेंस नहीं है और आपको लगता है कि यार जो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतनी आसानी से शायद नहीं हो पाएगा मेरा एक्सेप्टेंस आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है इंटेलिजेंटली क्या करेंगे कि आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी देखेंगे जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं आप रिलीज uh, स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका टॉपिक जो है वो रिलीजन से थोड़ा मैच कर रहा है आ, या फिर आप किसी और नियर ईस्टर्न स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसे डिपार्टमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं तो आप देख लीजिए आप आपको आपका कौन सा डिपार्टमेंट सूट कर रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपने पी एच डी आपने फॉर इंस्टेंस ग्रेजुएशन या मास्टर्स अगर आपने हिस्ट्री में किया तो आपको हिस्ट्री में ही पीएचडी करनी पड़ेगी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आप जस्टिस कर सकते हैं अपनी पीएचडी के साथ थोड़ा सा मेल जोल होना चाहिए जैसे हिस्ट्री और रिलीजन का मेल जोल है हिस्ट्री और सोशियोल का मेल जोल है हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी का मेल जोल है हिस्ट्री वाले बहुत सारे लोग एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी करते हैं सोशोलॉजी वाले बहुत सारे लोग हिस्ट्री में पीएचडी करते हैं तो ऐसा हो ऐसा हो सकता है कि अगर आप ग्रेजुएशन uh, और मास्टर्स आपका किसी और चीज में हुआ है So, आप पीएचडी किसी और एरिया में भी कर सकते हैं सो दैट इज वन थिंग ट्रिकी सो आप जब वो सब अपना रिग्रेस वेब सर्च करेंगी ना जैसे वेबसाइट्स वगैरह वेब पे देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या ऑफर हो रहा है देन यू विल गेट टू नो दीज थिंग्स आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे मुझे अप्लाई करना किस डिपार्टमेंट में, में अप्लाई कर सकती हूँ एक साथ आप एक कॉलेज के दो डिपार्टमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं ये भी पॉसिबल है कि मैं प्रिंसटन में जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है

Uh, समझ लीजिए दूसरी चीज फैकल्टी फैकल्टी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी तो बिना एडवाइजर के नहीं हो सकती बिना सुपरवाइजर के नहीं हो सकती जो आपको गाइड करेंगे आपको तो जो सुपरवाइजर होगा जो आपका एडवाइजर होंगे उनको तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना आपके फील्ड में तभी तो वो आपको गाइड कर पाएंगे वरना वो आपको कैसे गाइड कर पाएंगे तो जब आप अपना वेब सर्च करें जब आप देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या क्या स्टडीज uh, ऑफर कर रही है तो आपको ये देखना होगा कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट किस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन कर रहा है तो जैसे मेरे जो एडवाइजर है वो साउथ एशियन स्टडीज के रिलीजन में एक्सपर्ट है तभी मैं तबलीगी जमात में काम कर पा रही हूँ तो क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है इस एरिया के बारे में अच्छे से उनको यहाँ के रिलीजियस ट्रेंड्स यहाँ के पॉलिटिकल ट्रेंड्स यहाँ के सोशल ट्रेंड्स के बारे में से अच्छे से पता है वो बहुत पढ़े लिखे हैं इसमें इसलिए वो मुझे गाइड कर सकते हैं मैं तभी उनके अंडर अप्लाई कर रही हूँ वरना वो अगर उनको कुछ पता ही नहीं है तो वो कैसे होगा थर्ड थिंग इज फंडिंग फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना फंडिंग का जो केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि जाहिर सी बात है आप पांच साल के लिए किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और पीएचडी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है और बहुत महंगी है पढ़ाई यूएसए में और डॉलर्स वेरी एक्सपेंसिव इंडियन करेंसी के हिसाब से तो कैसे होगा पीएचडी Uh, तो अभी क्या कर सकते हैं नाउ यूएस की सबसे अच्छी सबसे अच्छी बात क्या है कि यूएस में जो पीएचडी होती है मोस्टली और अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं टॉप यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंक यूनिवर्सिटीज हैं तो ज्यादातर वो फुली फंडेड होती हैं पी यानी फुल्ली फंडेड मतलब उसमें आपका ट्यूशन हो जाएगा ट्यूशन फी वो देंगे आपकी पूरी वो आपके हेल्थ uh, केयर को देंगे वो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस भी देंगे स्टाइपेंड की फॉर्म में तो आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा उससे आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं सो यूजुअली यूएस में फुल्ली फंडेड होती है पीएचडी और आइडियली पीएचडी आप अब पीएचडी शुड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग आइडियली आपको आपको पीएचडी वही अच्छी होती है जहां आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप बहुत पैसा लगा रहे हैं तो फिर खास फायदा नहीं है पीएचडी करने का क्योंकि पीएचडी तो फ्री ही हो तो बेहतर है यहाँ पे भी स्टाइपेंड अच्छा हो लोग जे आर एस निकालते हैं इसीलिए ताकि उनको खुद से कुछ पैसा नहीं लगाना पड़े पी करने में और उनका बैठे बैठे रिसर्च भी हो जाए और इम्प्लॉयमेंट क्योंकि रिसर्च टेक्स टेक्स अ अ अ अ लॉट लॉट ऑफ ऑफ टाइम 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 इट एनर्जी इट्स इट्स फुल फुल जॉब बिजनेस तो उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते ना तो आपको अपना पूरा पूरा टाइम देना है रिसर्च को तो जाहिर सी बात है आप कुछ काम तो कर कर नहीं सकते तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए एंड दैट इज द गुड थिंग अबाउट यूएस एस विच इज नॉट सो मच इन यूके यूके में फंडिंग के लिए बहुत माथा है लेकिन यहाँ पी एच टी यूएसए में यहाँ का फंडिंग अच्छा है क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कहा टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं और अगर अगर आप लोग अपलाई करेंगे तो मैं तो ऐसा कहूंगी कि आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई करें जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वरना क्या फायदा इतनी दूर जाने का अगर यूनिवर्सिटी वहाँ की अच्छी नहीं वहाँ की कोई वहाँ की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाने का क्या फायदा आई मीन नॉट टूफेंड एनी बडी आई आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो ही जाए वरना ज्यादा क्या फायदा इतना यहीं पे कर ले है। है। तो फंडिंग में या तो वो फुल्ली फंडेड होगी फुल्ली फंडिंग होगी तो आप सॉर्टेड है आ, उसमें आपका सब कुछ हो जाता है आपको ट्यूशन फी नहीं देना होता है आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी मिलते हैं आपको हेल्थ, हेल्थ केयर भी मिलता है ठीक है और मरना अगर फुल्ली फंडेड नहीं होगी तो पार्शियली फंडेड तो होगी ही पार्शियली फंडेड का मतलब क्या होता है कि वो आपका ट्यूशन दे देंगे ट्यूशन फी बाकी रहने का खाने का खाने हेल्थ केयर वगैरह हेल्थ केयर बहुत महंगा यूएसए में बहुत कॉम्प्लिकेटेड uh, हेल्थ केयर तो वो सब आपको खर्चे खुद से निकालने पड़ेंगे और वो भी अच्छे खासे खर्चे होते हैं अच्छा खासा पैसा चाहिए उसके लिए तो वो आप कैसे कर सकते हैं पार्शियली फंड में दो रास्ते हैं उसके या तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें और दूसरा रास्ता स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप फिनेशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं तो आप पर्सनल इनकम भी शो कर सकते हैं कि मेरे पास पर्सनली मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ कैश इन टर्म्स ऑफ काइंड इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास कि मेरा इजिली uh, मैं रह सकता हूँ तो वो आपको प्रूफ देना पड़ता है व्हेन यू गेट एक्सेप्टेड उसके बाद आपको प्रूफ देना पड़ता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं अगर आप पर्सनली कर रहे हैं अगर आपका अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो यूएसए में पी स्टूडेंट्स को मिलती हैं इंस्टेंस आगा खान स्कॉलरशिप हो गई अमेरिकनिटी uh, हो गई फुल ब्राइट फॉरन स्टूडेंट प्रोग्राम हो गया अनिता ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गई ईस्ट वेस्ट सेंटर ग्रेजुएट डिग्री फेलोशिप हो गई तो ये आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर पी एच डी इन दू एस तो एक लिस्ट आ जाती है तो लिस्ट आई तो आप क्या करिए हर एक के वेबसाइट में जाके देखिए कि स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो बेसिकली क्या क्या मांगते हैं आपकी ग्रेड्स मांगते हैं आप, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड्स आपके स्कोर वगैरह मांगते हैं और आपकी सी वगैरह मांगते हैं और मांगते हैं कि आ, आ, ये मांगते हैं और क्या क्या चाहते हैं वो बस इतना ही ज्यादा नहीं मांगते और सबसे ज्यादा जरूरी उनकी टाइमिंग देखना उनका डेडलाइन क्या है ठीक है तो आप स्कॉलरशिप के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपने ऑलरेडी पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया या आप प्रोसेस में है एप्लीकेशन के अग, मैं अभी अगर सपोज़ मेरे पास कोई पीएचडी नहीं है ना मैं कर रही हूँ तो कर द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन तब वो आपका एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं तो आप जो है जाके एक एक का स्कॉलरशिप का देख सकते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है कब अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी एक अलग से शीट बना लीजिए इफ द प्रोग्राम दैट यूर अपलाइंग टू इज पार्शियली फंडेड अगर फुली फंडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्शियली uh, फंडेड है तो आपको ये सब करने की जरूरत है अगर फुल्ली फंडेड है और मुझे कोई मसला नहीं है फर्स्ट ईयर तो बेसिक कोई मसला नहीं है लेकिन सेकेंड ईयर से क्या होता है वो आपको क्या करते हैं जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको इंकरेज करती है कि आप स्कॉलरशिप वगैरह या फेलोशिप वगैरह के लिए अप्लाई करें क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी अपना फंडिंग उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकती है तो सपोज मैं पीएचडी करते करते भी बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ जैसे मैं फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ या फिर मैं आगा खान के लिए अप्लाई कर सकती हूँ तो अगर मुझे आगा खान ने सपोज एक्सेप्ट कर लिया और स्कॉलरशिप देने के लिए वो राजी हो गए तो फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगी यूनिवर्सिटी अपना पैसा थोड़ा कम कर देगी वो एडजस्ट कर लेगी अपने हिसाब से तो वो इस तरीके से चलता है और फंडिंग जो है पीएचडी में आपको अगर आपका फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है कि आप पी, आपको पैसे क्यों दे रहे हैं वो कुछ काम के ही तो वो आपको पैसे देंगे फंडिंग तो क्या काम करना होता है पीएचडी स्टूडेंट्स को वो दो तरीके से अपना खर्चा निकाल सकते हैं ठीक है एक तो होता है आर और दूसरा होता है टी ए शिप आर होता है रिसर्च असिस्टेंटशिप यानी आप किसी प्रोफेसर को किसी फैकल्टी को आप असिस्ट करते हैं रिसर्च करने में उनके असिस्ट assist, असिस्टेंट की तरह काम करते हैं इन इंडिया रिसर्च यू हेल्प देम इन रिसर्च तो और वो आपके काम के लिए आपको पे करते हैं सो so वो आपको पैसे मिल सकते हैं तो उससे आपका घर चल सकता है ठीक है दूसरा क्या होता है टी एशिप जो आपको करना ही होता है पीएचडी में यूएसए में मोस्टली ये एक, मांगते हैं आपसे टी एशिप होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप यानी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ग्रैड अंडर ग्रैड स्टूडेंट को पढ़ाएं तो वो आपको फैकल्टी जो है आपको दे देती है कि आपको ये पेपर बढ़ाना होने और या फिर एक कुछ पार्ट्स ही लेने हैं उसके या प्रोफेसर को guide, प्रोफेसर को को गाइड असिस्ट करना है पढ़ाने में तो ये टी ए शिप के भी आपको पैसे मिलते हैं तो अगर फॉर इंस्टेंस मेरा मेरा जो फंडिंग है फॉर इंस्टेंस फुल्ली फंडेड नहीं है फिर भी मेरे पास ये ऑप्शंस होते हैं टी ए शिप करके आर करके मैं जो हूँ अपना खर्चा निकाल सकूं या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी ही बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स देती है जैसे प्रिंसटन बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स आपको देगा जैसे आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए क्या होता है आप बेबी सिटिंग कर सकते हैं कैंपस में ही या फिर आप कैशियर का काम कर सकते हैं किसी कैंपस के कैफे में या आस यू नो you know, और या फिर जैसे मुझे एक जैसे मैं एक इंटर्नशिप अभी करूंगी इनशाला जाकर उसमें मुझे क्या करना है जो प्रिंसटन का डिसेबिलिटी सेंटर है वहाँ के जो डॉक्टर उनको असिस्ट करना है मेल्स वगैरह लिखने में उनके परचेजेस करने में ये सब करने में थोड़े बहुत काम करने में थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे एंड आई विल बी एबल टू यू नो यू नो इनकर कॉस्ट जो भी सारा मेरे मेरा कॉस्ट वगैरह वो निकल जाएगा रहने के लिए तो यूनिवर्सिटी इनकरेजेस यू इवन इफ यू गेट फुल्ली फंडेड प्रोग्राम इवन इफ यू पार्ट ऑफ अ फंडेड प्रोग्राम यूनिवर्सिटी इनकरेज करती है आप इन चीजों के लिए अप्लाई करें यूनिवर्सिटी को इतना सारा पैसा आप पर ना लगाना पड़े सो so, ये है फंडिंग का मसला फुल्ली फंडेड वेरी गुड बट अगर फुल्ली फंडेड है तो भी आप, आप अप्लाई करिए और फुल्ली फंडेड है तो आपको रिसर्चशिप असिस्टेंटशिप और टीएशिप तो करनी पड़ेगी और पार्शियली फंडेड है तो आप पर्सनली भी दे सकते हैं अपने पास पैसे अगर आप इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है और नहीं है तो आप स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू अप्लाई फॉर योर पीएचडी सो ये है फंडिंग का मसला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी फंडिंग वगैरह की चीजें जब आप यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स पर जाएंगे तो वो फंडिंग का क्लैरिटी से क्लियरली बता देते हैं कि हमारा फंडिंग का क्या स्कीम है अगर वो फुल अगर वो फुल्ली फंडेड प्रोग्राम होता है तो वो एकदम क्लियरली लिस्ट आउट कर देते हैं कि हमारा प्रोग्राम फुल्ली फंडेड है और अगर नहीं है तो वो भी वो क्लियरली लिस्ट आउट कर देते हैं और फिर उसमें ऑप्शन भी होते हैं कि आप कौन कौन से फेलोशिप्स वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं सो वंस यू गो टू योर वेब सर्च नो क्यों तो आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी आ, तो क्योंकि जब आप पीएचडी करने का सोच रहे होते हैं वो भी अब, अब्रॉड तो आपको बहुत डॉन्टिंग लगता है कि आ, कैसे होता है ये प्रोसेस क्या होता होगा पता नहीं कब करना है कैसे अप्लाई करना है कितना पैसा लगता है पर एक बार आप उस प्रोसेस में घुस जाते हैं तो आपको सारी चीजें धीरे 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 इजीली समझ में आने लगती हैं तो आप जो भी आप लोग आज आप लोग जो भी अप, अप्लाई करने का सोच रहे हो इनशाला दुआ करूंगी आपका एक्सेप्टेंस भी हो तो खुद से, से सर्च करने लगेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि सब कुछ आउट है और वरना नहीं तो आप हमेशा अपने किसी सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हैं एक इम्पोर्टेंट मैं वो दे दू क्या कहते हैं उसे टिप की जब आप अपने डिपार्टमेंट वगैरह देखेंगे कि मैं इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो उसमें क्या होता है डिपार्टमेंट में पीएचडी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल दिए रखे होते हैं जो जो ऑलरेडी वहां पे अभी पीएचडी कर रहे हैं उनके प्रोफाइल्स दिए रहते हैं उन, उनका क्या काम किया गया है वो क्या किस चीज पर काम कर रहे हैं वो भी दिया रहता है और उनकी ई मेल वगैरह दिए रहते हैं तो आपके जो सवाल थे यूनिवर्सिटी को लेकर फंडिंग को लेकर फैकल्टी को लेकर कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए हो सकता है या नहीं वो सबसे अच्छे जो सोर्स होते हैं जो आपको सबसे अच्छे जवाब देंगे

कहीं मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही कैसे लिखू मेल क्या सोचेंगे वो मैं बहुत डरपोक पुख इस मामले में लेकिन जब मैंने ये जब मैं ये पी प्रोसेस में थी तो हर जगह बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहे थे कि आप मेल करो पूछो मेल करो पूछो सो आई विल ऑल्सो इनकरेज यू टू डू दिस बिकॉज वो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं फैकल्टी भी बहुत अच्छे से जवाब देती है आपके यू नो क्वेश्चंस का और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से जवाब देते हैं एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस थैंकफुली इट हैज बिन सो तो आप मैं भी इनकरेज करूँ की आप नो मेल्स वगैरह लिखे और अगर आप मुझे ही मेल करना चाहते हैं तो, I'll leave my email idea, already set. तो वो जरूरी है ठीक है so this is step three. तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना कि मैं किस यूनिवर्सिटी और किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करूंगी ओके नाउ स्टेप फोर स्टेप फोर है कि कॉन्टेक्टिंग योर पोटेंशियल एडवाइजर नाउ अभी पी करने के लिए जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा जरूरी है आपके तो एडवाइजर सॉरी uh, कोई कुछ कह रहा है okay. ओके तो पीएचडी uh, करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके एडवाइजर सुपरवाइजर यू नो की जो आपको गाइड करेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि इन ऑर्डर फॉर द सुपरवाइजर टू गाइड यू ही उनके पास खुद एक्सपर्टीज होना चाहिए टू गाइड यू वरना वो कैसे आपको एडवाइस कर सकते हैं वो आपको गाइड करेंगे तो उनके पास दे शुड बी लाइक यू नो एक्सपर्ट्स इन द फील्ड विच इन विच यू वॉन्ट टू वर्क तो आप क्या करते हैं वेन यू डू आप यूनिवर्सिटीज़ का वो लिस्ट वगैरह देख रहे हैं कि कहाँ क्या क्या ऑफर की जा रही है पढ़ाई तो उसमें फैकल्टी का भी लिस्ट होता है तो आप देख लीजिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी फैकल्टी ने काम किया सब दिया हुआ होता है फैकल्टी के बारे में कि फैकल्टी क्या पढ़ाती है इन्होंने क्या काम किया इनकी किताबें क्या है इनकी जर्नल्स क्या है सब दिया हुआ होता है उनके बारे में और ख़ुद भी आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा अच्छा ये क्या जानते हैं इस एरिया में इस स्पेस और टाइम में इनका काम है और इस एरिया में इनको मालूम शायद नहीं है सही ये आपको समझ में आने लगता है उनकी किताबों वगैरह को देखने में तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली चलना पड़ता है आप देखिए फैकल्टी की किताबों को देखिए सर्च करिए देखिए किताबें उन्होंने कौन कौन सी लिखी है और लिखी भी हैं तो कैसी लिखी हैं Uh, क्या है उनके आइडियाज इफ यू आर वेरी वेल सेटल्ड कि मुझे ऐसे ही काम करना है तो आप देख सकते हैं आप पढ़ सकते हैं आपको खुद समझ में आने लगेगा कि फैकल्टी uh, की सोच कैसी है उनकी आइडियोलॉजी कैसी है इफ़ दैट मैटर्स टू यू बिकॉज इट मैटर्स टू मी आइडियोलॉजी ऑफ द फैकल्टी बिकॉज द सुपरवाइजर इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर वर्क और मुझे पता है कि अगर कोई काम कोई मेरा काम इन्फ्लुएंस करने वाला है जिस किसी के काम से मेरा काम इन्फ्लुएंस होने वाला है तो मैं चाहूंगी कि मैं उनके बारे में पहले ही अच्छे से मालूम रखू तो वो वेबसाइट से समझ में आने लगता है जस्ट गूगल सर्च और आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा इनका आइडियोलॉजी क्या है जैसे कि मैंने कहा जो अभी पी एच डी स्टूडेंट है करंट वो जो है आपको अच्छे से बता सकते हैं कि ये जो फैकल्टी वो कैसी हैं कैसे गाइड हैं ये क्योंकि मैं क्या बताऊ कि आपको अभी दूर से बैठे बैठे इतना समझ में आ नहीं सकता कि हाउ इज अ पर्सन इन रियल लाइफ अ मेरी एक दोस्त है वो कोलम्बिया में पी एच डी कर रही थी अभी और उनका काम कश्मीर पे था और उनका दो डेढ़ साल हो गया था उन्हें करते करते कोर्स वर्क में थी लेकिन अब वो क्विट करके आ रही है अपनी पीएचडी वापस अनफॉर्चुनेटली इंडिया आ गई है वो वापस क्योंकि उनकी जो सुपरवाइजर है वो बहुत स्ट्रिक निकली या बहुत अनकाइंड कह लीजिए और ज्यादा स्पेस नहीं दे रही थी उनसे अपने टाइप का रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी तो उनके साथ काम करना मेरी दोस्त को बड़ा मुश्किल लगा तो वो नहीं कर पाई यहाँ तक कि उसको अपना पी एच डी क्विट करना पड़ा उसके लिए बहुत ज्यादा होने लगे वो वापस आ गई तो ये सारी चीज जो है आपको बैठे बैठे या किसी की बात करने से समझ तो आ नहीं सकती है मैं तो आपको बता नहीं सकती कि कौन कैसा है वो आपको सबसे अच्छा उनके स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो पीएचडी कर रहे हैं वहां लोग उनके उनको आप जरूर कांटेक्ट कर लें क्योंकि उससे काफी कुछ समझ में आ जाती है ये चीजें तो आप के पास एक जब लिस्ट आ गई इस, इस तो है वेबसाइट वगैरह पे आप उनको ई करिए कि छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प ई लिखिए ईमेल में क्या लिखना होता है बस आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना होता है खुद को कि मैं मेरा नाम जैनब है मैंने ये, -ये पढ़ाई करी है और uh, मैं पीएचडी करने का सोच रही हूँ और मैं इस एरिया में पीएचडी करने का सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ ये है रफली मेरा टॉपिक पीएचडी एग्जैक्टली फुल ऑन अपना टॉपिक मत दे दीजिए कि ऐसा ही होना चाहिए मेरा टॉपिक एक रफ आइडिया दीजिए कि ये रफली मैं एरिया में पीएचडी करने का सोच रही हूँ और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या आप uh, इस बार स्टूडेंट्स ले रहे हैं अपने अंडर क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी फुल होते हैं प्रोफेसर्स उनके पास ऑलरेडी छः सात स्टूडेंट हैं अब उनके पास टाइम ही नहीं और किसी को गाइड करने का तो आप ये जरूर पूछे कि आप इस बार स्टूडेंट्स ले रहे हैं अगर आप इस बार स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो क्या मैं अप्लाई करूँ तो वो ये सब आप मेल में लिखे और उसके बाद आप बहुत सारे मेल्स भेजते हैं बहुत सारी जगहों पे और फिर क्या होता है बहुत सारी जगह से रिप्लाई नहीं आता है क्योंकि आर वेरी बिजी पीपल और दे आर नॉट इंटरेस्टेड सो दे वोंट रिप्लाई बहुत सारे मामला में वो आप क्या करेंगे वो आपको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे कि सॉरी uh, या तो मैं स्टूडेंट्स नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे आपका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ये उनका रिस्पॉन्स हो सकता है या मुझे नहीं आता मैं एक एक्सपर्ट नहीं उस फील्ड में मुझे बहुत सारे ऐसे रिप्लाई आए थे जिसमें प्रोफेसर ने कहा कि ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो आप कहीं और अप्लाई करिए वो खुद भी आपको बताएंगे कि आप इनके अंडर अप्लाई कर सकती हैं वो आपको खुद भी देंगे ऐसे और कुछ जो होंगे प्रोफेसर्स कुछ फैकल्टी ऐसी होगी जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी कि ठीक है गुड आई एम इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे इनकरेज यू टू अप्लाई कि ठीक है आप इस बार एप, अप्लाई कर दीजिए मेरे साथ मैं इस कॉलेज में आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए हमारे डिपार्टमेंट में एंड आई विल बी हैप्पी टू कंसीडर योर एप्लीकेशन तो बाई एक्सपीरियंस मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि आप उसी जगह पे अप्लाई करिए

तो आप सोचिए आप अगर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे जहां आपके चांसेस भी नहीं है तो वो पैसे वेस्ट होंगे बस तो इसलिए मैं ऐसा एडवाइस करूंगी कि आप उन्ही जगह पे अप्लाई करिए जहां से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स योर टाइम एंड इट विल सेव योर मनी एंड इट विल ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ योर एनर्जी क्योंकि एप्लीकेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है ओके okay. सो so ये शायद आपको समझ में आ गया कि कैसे एडवाइजर को कॉन्टेक्ट uh, करते हैं और उनको उनका रिस्पांस कैसे समझा जाता है जो उनका रिस्पांस आता है बास दफा ऐसा भी होता है कि जो प्रोफेसर है वो आपसे मिल और ज्यादा बात करना चाहेंगे उस टॉपिक के बारे में कि अच्छा वो आपको रिप्लाई करेंगे बस येस और नो नहीं बोलते वो कि ठीक है हैप्पी टू प्लीज अप्लाई ये, उस ऐसा जरूरी नहीं होता वो ये भी कहते हैं कि अच्छा यू थिंक अबाउट दिस वो आपको समझना भी चाहते हैं कि आपका रिसर्च आइडिया क्या क्या है आपके इंटरेस्ट आप किस तरीके से सोचते हैं तो आपसे फर्दर डिस्कशन करेंगे मेल्स में ही तो आप आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं उसका बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मालूम तो आपको होनी ही चाहिए बिल्कुल ही एकदम नोवाइस की तरह आप मेल्स ना लिख दें कि हमें कुछ पता ही नहीं है लेकिन हमने बस मेल लिख दिया कुछ ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कुछ किताबें आपने पढ़ी रखी होनी चाहिए थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किसने किसने क्या क्या काम किया हुआ इस एरिया में कुछ आइडिया होना चाहिए वरना बात किस बेसिस पर करेंगे यू नो बी सब सब्सटेंस इन द टॉक्स तो के लिए पढ़ाई जरूरी है बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता तो थोड़ा सा मैं ऐसा कहूंगी कि बिफोर राइटिंग टू द फैकल्टी मेक श्योर कि आपको अपने एरिया ऑफ रिसर्च की थोड़ी मालूम है आपने थोड़ी किताबें पढ़ी हुई हैं और आपको रिसर्च ट्रेंड्स पता है कि अभी इस फील्ड में किस टाइप का रिसर्च हो रहा है अगर आपको ये पता है देन देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द एप्लीकेशन और रिसर्च ट्रेंड्स की मालूम आपको नहीं है थोड़ा मसला हो जाता है खैर तो ये है उसके बाद तो आपसे वो बात करेंगे डिस्कशन करेंगे फैकल्टी की ऐसा आपको लगता है ठीक है फिर अगर आपको वो आपको जांचने की ऐसे चाहते हैं कि दे ट्राई टू यू नो सी की हाउ मच ऑफ यू नो दिस पर्सन नोज और पोटेंशियल है कि भी नहीं पी एच करने का कर, तो वो ये भी कर सकते हैं तीसरा क्या करते हैं कि आपको खुद गाइड भी करते हैं कि आप ऐसे पढ़िए ये वाली किताब पढ़ोगे फिर सोचो फिर मुझे लिखोगे कि तुम ऐसा करना चाहोगे की नहीं ये भी करते हैं प्रोफेसर और फिर चौथे हम क्या होता है जो मेरे साथ हुआ था कि मुझे एक प्रोफेसर ने कहा था कि आप मैं चाहूंगा कि आप और मैं एक जूम कॉल करें और फिर हम देखें कि हमारे आइडियाज कितने मैच कर रहे हैं या कितने मैच नहीं कर रहे हैं और मैं सुनना चाहूंगा कि आपके क्या ख्याल हैं आपके टॉपिक के बारे में और मेरे क्या आते हैं फिर हम देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क तो उन्होंने मेरे साथ एक मीटिंग रखी थी जूम मीटिंग ही रखी थी और इट वॉज लाइक एन हाफ एन आवर मीटिंग और इट वॉज सो अमेजिंग क्योंकि आधे घंटे में उन्होंने मुझे इतने अच्छे पर्सपेक्टिव दिए अपने टॉपिक के बारे में जो शायद मेरे पास नहीं था एंड ही इनकरेज मी टू अप्लाई और उनके उस आधे घंटे के डिस्कशन की वजह से मेरा प्रपोजल काफी शेप हुआ था इन इन अ वेरी गुड वे इन अ वेरी पॉजिटिव वे तो आई थिंक ही रियली मी इन यू नो शेपिंग माय माय प्रपोजल प्रपोजल रिसर्च एसओपी अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ नहीं मैं वहां से रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही जगह अप्लाई किया था ब्राउन में और प्रिंसटन में ब्राउन uh, में आई वॉज रिजेक्टेड आई वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसटन थैंकफुली सो जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है तो एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा

आपको पता है आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे आपको पता है कि आप किस फैकल्टी के अंडर अप्लाई करेंगे आपको पता है कि अच्छा ये ये वाले जो प्रोफेसर हैं मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है तो मैं इनके अंडर ही अपलाई करूंगा तो जब आपको ये सारी चीजें पता है तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जहाँ यू हैव मेड योर मेड श्योर कि मैं यही अप्लाई करूंगी जैसे मेरा जो एप्लीकेशन टाइम था वो बहुत ही आ, क्या कहूँ मैं उसे इट वाज अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी इट वाज अ टाइम ऑफ चैलेंजेस क्योंकि आ, मैंने एकदम उसी वक्त मेरी आई हैड जस्ट गिवन बर्थ और मैं बिल्कुल मैं बहुत तकलीफ में थी उस वक्त और उसी वक्त ये एप्लीकेशन वगैरह चल रहा था मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते थे हाथ में आ, तो मैं तो बहुत तकलीफ में थी इसलिए मैंने सिर्फ दो ही जगह अप्लाई किया और क्योंकि दो जगह से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया था और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था ना मेरे पास इतने पैसे थे मेरे पास कुछ नहीं था अप्लाई करने के लिए तो मैंने सिर्फ दो जगह अप्लाई किया लेकिन आप लोग आ, जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो इज टू 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 अप्लाई प्लेसेस शोर्ट शॉर्ट प्लेसेस फोर फाइव प्लेसेस वो सब ज्यादा इससे ज्यादा मत करिए छह सात आठ जगह जाने अप्लाई करने की जरूरत नहीं है वो बस आपके पैसे और आपका टाइम ही वेस्ट करता है ठीक है तो एक बार आपके पास लिस्ट रेडी है कि मैं इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूंगा करूंगी तो आपको क्या एप्लीकेशन में होता क्या है वट इज एन एप्लीकेशन वट इज ए पी एच डी एप्लीकेशन मेड ऑफ इट इज मेड ऑफ दीज सेवन थिंग्स दैट आई लिस्टेड इन ऑन द स्क्रीन दैट यू कैन सी क्या है वो पहली चीज तो होती, यही होती है मोस्टली हर यूनिवर्सिटीज में हर यूनिवर्सिटी में मोस्टली यही होती है अलग अलग कुछ यूनिवर्सिटी में शायद कुछ ऐसे अलग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पता चलेगा तो आप हर यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट अल से समझ लीजिए उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लेकिन मोस्टली यही होती हैं इसके अलावा जो कम ज्यादा हो सकती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट्स के वेरी इट वेरी इज अटिल चीज जो है वो आपका है वो सीवी है या रेज्यूमे है आपका Uh, तो वो आप अपडेट कर लीजिए बना लीजिए अच्छे से अपना इट शुड बी फॉर्मल इट शुड बी यू नो इट शुड बी मच्योर बचकाना नहीं होना चाहिए थोड़ा फॉर्मल और मेचोरिटी इट शुड एग्ज्यूम मेचोरिटी दूसरा ट्रांसक्रिप्ट आपके यानी मार्कशीट्स जो आपने आज तक पढ़ाई करी हो सबकी मार्कशीट तो फॉर इंस्टेंस मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है तो दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए मेरे पास मार्कशीट इलेक्ट्रॉनिक ही जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक मार्कशीट जो डाउनलोडेबल होती है या नहीं है तो जो आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिली है तो उसको आप स्कैन कर सकते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेजनी होती है अपलोड uh, करना होता है उनकी वेबसाइट पर तो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास ग्रेड्स आपके मैटर करते हैं कि आपके कैसे मार्क्स आए इन द पास्ट थर्ड इज द एग्जाम इधर आइल्स और टोफुल नाउ वट आर दीज एग्जाम दीज लैंग्वेज आप जा रहे हैं यूएस में पढ़ने के लिए तो और वो भी पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको भाषा इतनी अच्छी तरीके से आती है कि नहीं आप ये कर सकते हैं या फिर यूएस में रह सकते हैं आप वरना आप भाषा ही नहीं आती तो आप कैसे करेंगे तो Uh, uh, जैसे टोफल का एग्जाम लिया जाता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरन लैंग्वेज तो फॉरन लैंग्वेज का टेस्ट होता है एक दो एग्जाम या तो आप आइल्स दे सकते हैं या टोफल दे सकते हैं दोनों मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं दोनों के स्कोर्स आप चूज कर सकते हैं आपको आइल्स देना है या टोफुल देना है इट्स द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स एज अ कोई ज़रूरी नहीं है uh, हर यूनिवर्सिटी जो है अपना एक मिनिमम स्कोर मार्क करती है कि वो मिनिमम स्कोर कितना देख रही है जैसे टोफल एग्जाम एक सौ स्कोर का होता है 120 मार्क्स का होता है तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं दे रिक्वायर लाइक एज एज हाई प्रिंसटन में हंड्रेड था शायद जहाँ तक तो मुझे याद आ रहा है और कि हंड्रेड मिनिमम आपके आने चाहिए या फिर एटी आने चाहिए मुझे खा, 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 खास याद नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं तो एक ये एग्जाम आपको देना होता है टोफल या आइल्स आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश इसके लिए आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसमें चार एरियाज ऑफ एग्जामिनेशन होता है एक होता है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड एल्स रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड वीडिंग लिस्ंग या तो ये इंग्लिश की चार चीजें होती हैं इसमें uh, और uh, ये चार साढ़े तीन घंटे का, तीन तीन का पेपर होता है आप इसे ऑनलाइन ही देते हैं uh, इनके सेंटर्स पे जाके

तो ऐसा नहीं होता कि आप उसको डाउनलोड करके फिर अपलोड कर देंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जब आप अप्लाई कर रहे हैं ऐसा नहीं होता दे डू नॉट एक्सेप्ट यू अपलोडिंग द स्कोर उनको क्या चाहिए यूनिवर्सिटीज को कि टोफल जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है ईटीएस उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है तो ETS ही वो एक, वो एक वेब जो मार्कशीट है वो आपकी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भेजेगी ताकि कोई फोरजरी वगैरह करने का चांस ही नहीं रहे अगर आप खुद से भेजेंगे तो वो आ, आप डिस्कालीफाई हो जाएंगे आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा आ, तो टोफल इटीएस डायरेक्टली भेजता है मार्क्स तो जब, जब आप टोफल बुक कर रहे होते हैं ना एग्जाम या आइल्स जब आप बुक कर रहे होते हैं आइल्स का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आइल्स नहीं दिया मैंने टोफल दिया जब आप टोफल बुक कर रहे होते हैं तो बुक करने के टाइम ही जो है वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में अपने स्कोर कार्ड भेजने हैं उस वक्त आपके पास शायद तीन या चार ऑप्शन होते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी डाल दीजिए उसमें कि जहां -जहां आप अप्लाई कर रही हैं जैसे प्रिंसटन में अप्लाई कर रही हैं ब्राउन में अप्लाई कर रही हैं आप स्टैनफोर्ड में अप्लाई कर रही हैं तो मैं यहाँ यहाँ डाल दीजिए तो क्या करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चार जगह या तीन जगह फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्कोर कार्ड भेज देते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले पहले क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने उसको स्किप कर दिया तो आपको बाद में क्या होगा एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे ईटीएस को दोबारा आपके एप्लीकेशन आपके स्कोर कार्ड को भेजने के लिए उसको हर यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए बीस डॉलर लगते हैं मेरे ख्याल में जो कि अच्छे खासे हो जाते हैं तो आप जो है ये गलती मत करेगा जो मैंने करी क्योंकि मैंने चूज नहीं किया था उस वक्त और बाद में मुझे हर यूनिवर्सिटी को दो यूनिवर्सिटी को भेजने के लिए अलग से पैसे देने पड़े तो दैट इज़ वन टिप फोर्थ इज LORs, uh, letter of recommendations letter of recommendations usually universities में या तो दो चाहिए होती हैं कुछ universities में तीन चाहिए होती हैं जो top universities होती हैं Ivy League हो Ivy League हो गई तो उसमें तीन ही चाहिए होती है मोस्टली uh, कौन वो दे सकता है आपको LORs आपके professors दे सकते हैं जिन्होंने आपको यहाँ पढ़ाया है और या आपके employers भी दे सकते हैं अगर आप कहीं काम कर रही हैं तो uh, हमेशा उन लोगों से एलोआस मांगिए जो आप को अच्छे से जानते हैं जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुक हैं और जो आपको पता है जो आपके बारे में अच्छी बातें ही लिखेंगे क्यों क्योंकि आप एलोआर नहीं पढ़ सकते हैं जो आपके बारे में बात लिखी गई है जो यहाँ का प्रोफेसर आपके लेटर्स में लिखेगा रेकमेंड करते हुए आपका नाम वो आप नहीं पढ़ सकते हैं वो लेटर क्योंकि वो लेटर जो प्रोफेसर डायरेक्टली अपलोड करता है यूएस की यूनिवर्सिटीज में फॉर इंस्टेंस मैंने अपने आ, मैं एल की पढ़ी हुई हूँ लेडीश्राम कॉलेज की Uh, तो मैंने लेडी कॉलेज के एक प्रोफेसर से तो एल अगर मेरे थ्रू उन्होंने तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ या फिर मैं अगर उसे देख सकती हूँ तो फिर ऐसा होगा कि शायद खुल के बात नहीं कर पा रहा है प्रोफेसर मेरे बारे में क्योंकि यूनिवर्सिटी देर वॉन्ट्स की एकदम करेक्ट ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट तो आप उन्हीं प्रोफेसर को कांटेक्ट करिए जो आपको पता है कि आपके बारे में अच्छी ही बात लिखेंगे क्योंकि एक 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 दो केसेस मैंने ऐसे सुना है ऐसे पढ़ा है पढ़ा कि एक ने नेगेटिव कमेंट्स लिख के भेज दिए एलोआर में तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो जब आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है कि ये इनसे तो मेरी अच्छी तालुकात है अच्छी बातचीत रही और ये मुझे अच्छी ये मेरे बारे में अच्छे ख्याल रखते होंगे या रखती होंगी तो मैं इनको ही कहूंगी और आप उनसे ही एलोआर मांगिए तीन या दो दूसरी बात जरूरी बात जो मैंने गलती करी थी मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था मैं इतनी परेशान थी अब एप्लीकेशन के वक्त तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी मेरे पास हाथ में हाथ से दो हफ्ते थे और दो हफ्ते में मैंने सारे काम किए हैं पता नहीं कैसे अल्लाह की मदद से और कोई चारा तो था नहीं क्योंकि एक मोजा ही था कि मैंने अप्लाई कर दिया मेरे लिए एक्सेप्टेंस होने से ज्यादा

लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मतलब समझाया इसका एप्लीकेशन के दौरान कि आप, आपके साथ जब मुश्किलें होती इतनी सारी तो अल्लाह ताला कुछ कुछ आसानियां दे देता है उसमें अल्लाह ताला जान के आपको ऐसे सिचुएशन में डालता है आप ताकि एक्सपीरियंस करें अल्लाह की आयतों को और समझे कुरान को क्योंकि कुरान इज नॉट जस्ट फिलोसफिकल पढ़ लिया कुरान इज एक्सपीरियंशियल आप उसको एक्सपीरियंस जब तक नहीं करेंगे उन चीजों को तब तक, तक आपको अल्लाह की बात कम्पलीटली समझ आएगी नहीं तो अल्लाह तला ने जैसे मुझे इस आहद का मतलब समझाया उस टाइम की मुश्किल के साथ आसानी क्या होती है मुश्किलें मेरे साथ हजार थी मेरे पास पैसे नहीं थे मेरे पास मैंने अभी अभी एक डिलीवरी हुई थी मेरी और मेरा बच्ची इतनी छोटी थी और वो इतना रोती थी और मेरे पास कुछ नहीं था मुझे कुछ नहीं आता था मुझे अपने टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था मुझे कुछ नहीं पढ़ा था कुछ नहीं आता था कुछ भी नहीं आता था मेरे पास राइटिंग सैम्पल नहीं था कुछ भी नहीं था लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त दो आसानी एक आसानी ये करी कि मेरा दिमाग कितना तेज चला है जो कि जनरली नहीं चलता इतना तेज और ऐसे मुझसे लिखवाया जो मैं कभी लिखती नहीं हूँ और ऐसे लोगों से मिलाया मुझसे जो मुझे वही चीजें बताते थे जिसकी मुझे एग्जैक्ट जरूरत थी तो अल्लाह ताला बहुत ही रहम करने वाला है उस मामला में खैर मैं डायग्रेस नहीं करूंगी ज्यादा और ये है कि एलोआज आप जो है क्या करें मैं ये कह रही थी कि आप एटलीस्ट अपने फैकल्टी को जहां से आप LOR ले रहे हैं या अपने एम्प्लॉयर से ले रहे हैं आप उन्हें एटलीस्ट पंद्रह जरूर दें कि उनको उनसे से दिन तक आपको पता होना चाहिए कि आ, आ, उनको क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं उसी वक्त एप्लीकेशन डेडलाइन होती है मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक तक मोस्ट यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन डेडलाइन होती है तो अगर आपको दिसंबर फिफ्टीन में फर्स्ट कीजिए जमा करना है अपना एप्लीकेशन तो एटलीस्ट आपको अपने यूनिवर्सिटी जो अपने फैकल्टी को जहाँ से आपको एलोआर चाहिए उनको आप नवंबर के आखिरी वीक तक बता दीजिए कि मुझे एलोआर चाहिए आपसे या दिसंबर फर्स्ट तक बता दीजिए उनको क्योंकि उनके, उनके पास बहुत रिक्वेस्ट होती हैं प्रोफेसर्स बहुत बिजी लोग होते हैं और फिर वो अग्री करेंगे फिर आपसे पूछेंगे क्या लिखूँ क्या नहीं जो भी पचास चीज़ें होती हैं उसमें तो मैं ये कह रही हूँ कि दे शुड हैव प्रॉपर टाइम ऑफ प्रोसेस योर रिक्वेस्ट क्योंकि वो लिखेंगे वो अपलोड करेंगे और वो अब मैं जैसे दो जगह अप्लाई कर रही थी तो फैकल्टी को दो जगह अपलोड करना पड़ा प्रिंसटन भी और uh, ब्राउन में भी अब कोई शख्स फर्ज कीजिए छह जगह अप्लाई कर रहा है छह यूनिवर्सिटी में तो फैकल्टी को छह जगह अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा लेटर सो इट्स ऑफ वर्क फॉर देम स्पेशली वेन दे आर सो बिजी सो यू शुड हैव ए वेरी गुड रैपो योर प्रोफेसर

जीआरई नहीं मांगते हैं स्पेशल लेकिन अगर आप वगैरह मैनेजमेंट वगैरह में आप जा रहे हैं एमबीए वगैरह करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जीआरई आर ई एन जी, जी मैटी लेकिन बाकी में मोस्टली जगह जीआरई हट चुकी है तो आप अपने यूनिवर्सिटीज के उसमें ही आपको पता चलेगा वेबसाइट में जब आप देखेंगे उनके एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स तो तभी आपको पता चल जाएगा की क्या चाहिए जीआरई चाहिए या नहीं चाहिए ज्यादातर अब तो जीआरई हट चुका है विच इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि जीआरई ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बहुत परेशानी की चीज थी उसमें मैथ वगैरह होती थी रीजनिंग वगैरह होती थी तो उसके स्कोर्स मैटर करते थे तो आ, अब देख लीजिए अब बहुत ज्यादा हो जाता था इसलिए हटा दिया गया है जी को इट वाज नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर अस यू नो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज स्टेम में भी उतना बेनिफिशियल नहीं था तो हटा दिया गया बट कुछ अगर कुछ जगह है तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पता चल जाएगा इफ इट इज देयर देन यू मस्ट गिव उसके स्कोर्स आ जाएंगे वो भी अच्छा खासा महंगा होता है आइल टोफल भी अच्छा खासा महंगा होता है पंद्रह सोलह हजार रुपये होता है इंडियन करेंसी में ठीक है सो so, छठा जो चीज है वो है राइटिंग सैंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइक इट 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 इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर एप्लीकेशन बिकॉज इट शोज कि आपको पी जो आप करने जा रही हैं आपको वे एकेडमिकली लिखना आता है भी है कि नहीं आपको एकेडमिकली पढ़ना आता भी है कि नहीं आप सही सवाल उठा सकते हैं कि या नहीं आप क्रिटिकली सोच सकती हैं या नहीं तो राइटिंग सैंपल में आपको क्या देना होता है

एडिट कर सकती हैं जरूरी नहीं है कि जो मैंने मास्टर्स में लिखा है मुझे एज इट इज देना है यू 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 हैव हैव द द फ्री ऑल राइट राइट टू टू एडिट इट इट मेक बेटर फाइन ट्यून एजेस आपके पास पूरा right है वो आप करिए दोबारा पढ़िए अपने राइटिंग सैंपल को उसको इम्प्रूव करिए और अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करें जिस एरिया में आप अप्लाई करें उसी से रिलेटेड हो अगर आपका थीसिस या आपका पेपर तो वो इट मेक्स सेंस पर कीजिए मैं हिस्ट्री में अप्लाई कर रही हूँ लेकिन मेरा पेपर जो है वो फिजिक्स पे है यू नो टू गिव अ बैड एग्जांपल फिजिक्स पे है तो फिर वो क्या फायदा उनको क्या समझ में आएगा कि मुझे क्या आता है रिसर्च में तो थोड़ा कनेक्टेड होना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आ जाए सो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन मेक और ब्रेक योर एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डेढ़ हजार से दो हजार वर्ड्स का लिखते हैं एक से दो पेज से ज्यादा नहीं लिखते हैं uh, इसमें क्या होता है मास्टर्स में जो एस आप लिखते हैं वो थोड़े पर्सनल इन नेचर होता है कि आप क्यों मास्टर्स करना चाह रही हैं वो आप पर्सनल थोड़े देते हैं कि दिस इज आई लाइक दिस दिस इट हैज इंटरेस्टेड मी थोड़ी पर्सनल कहानियां सुनाते हैं या बला बला बला. लेकिन जो पी एच डी की एस ओ पीज होती हैं इट शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर इट शुड बी इट शुड बी वेरी मच्योर इट शुड बी वेरी स्कॉलरली मतलब द एस ओ पी शुड रिफ्लेक्ट मेच्योरिटी एज अ स्कॉलर की आप पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ इनके इनको अच्छी समझ है लिखना अच्छा आता है और पी एच डी करने के लायक अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस करेंगे अच्छा काम प्रोड्यूस करेंगे ऐसा होना चाहिए तो यू शुड नॉट गो अबाउट टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ मैंने ऐसे किया फिर मैंने वैसे किया मैंने ये ग्रेजुएशन में इनको उखाड़ा मैंने मास्टर्स किया ऐसे मत किया क्योंकि वो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में दिख रहा है उनको आपने क्या क्या किया है आपकी सीवी में दिख रहा है आपके ट्रांसक्रिप्ट में दिख रहा है आप स्ट्रेट टू द पॉइंट एसओपी में जाइए कि मैं मेरा नाम जैनब है मैं अप्लाई कर रही हूँ इस डिपार्टमेंट में इस यूनिवर्सिटी के ये मेरा टॉपिक ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डो नॉट से टॉपिक एग्जैक्टली टॉपिक मत दे दीजिए एकदम फुल ऑन इसके फ्लेक्सीबिलिटी नहीं दिखाना जस्ट गव अ रफ आइडिया कि मैं इस रफली मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहूंगी पढ़ना चाहूंगी फिर आप बताइए कि क्यों आप पढ़ना चाहेंगी उस एरिया को क्या क्या वाई आर यू इंटरेस्टेड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द तबलीगी जमात वाई आर यू इंटरेस्टेड

जवाब आपको देने पड़ते हैं और एकदम कोई हवा में बात मत करिए कट टू द चेस बिल्कुल क्लैरिटी से बात करिए कि मैं ये वाला एरिया पर रिसर्च करूंगी इसलिए मुझे ये इंटरेस्ट करता है इसको मैं इस तरीके से पढ़ना चाहती हूँ और मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है एसओपी में सबसे अच्छी बात जो प्रिंसटन प्रिंसटन कह रही हूँ सॉरी पी के वो ये है कि आप सवाल उठाइए अच्छे सवाल आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट योर रिसर्च टॉपिक कि मैं इस तरीके से पढ़ना चाहूंगी अगर ऐसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं था आस्क लाइक रेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन जमात स्टडीड एकेडमिकली आज तक क्यों नहीं अच्छे से पढ़ा गया क्या रीजन हो सकता आस्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज गुड क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए पी एच डी है आपके पास लेकिन पी एच डी में घुसने के लिए आपके पास सवाल अच्छे होने चाहिए तो यू शुड आस्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च क्रिटिकल क्वेश्चन ताकि उनको पता चले कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग की सोर्सेस how, how ये देखते हैं वो और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है में बताने की कि, जो अभी रिसर्च हो रहा है जा, जाहिर सी बात है जिस टॉपिक में आप रिसर्च करेंगे ऐसा तो होता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता

प्रिंसटन uh, ऐसा क्या ऑफर करती है जो कोई और ऑफर नहीं कर सकता सो दैट्स हाउ यू राइट योर एसओपी कुछ बहुत अच्छे है हैं इंटरनेट पे फॉर uh, इंस्टेंस मैंने एक सैम्पल देखा था यूनिवर्सिटी देखा था वेरी गुड सैंपल्सिटी मिल जाएंगे सैंपल्स आप देख कर ही लिखेगा सो इट विल्प वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेकंड लास्ट थिंग अंडरस्टैंडिंग टाइम फ्रेम ऑफ देशन विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई फील आपका एप्लीकेशन मोस्टली यूनिवर्स जो वो शुरू होता है ना सेशन जो शुरू होता है पीएचडी का वो फॉल में शुरू होता है यानी सितंबर में शुरू होता है अर्ली सितंबर शुरू हो जाते हैं सेशन जैसे इंडिया में सेशन स्कूल में सेशन अप्रैल वगैरह से शुरू हो जाते हैं वहाँ फॉल में शुरू होते हैं सेप्टेम्बर से तो अभी सेप्टेम्बर में फॉर इंस्टेंस से, सेशन शुरू होगा तो उसके लिए मुझे पहले ही अप्लाई करना होगा कब अप्लाई करते हैं दिसंबर में अप्लाई करते हैं दिसंबर 2021 या फिर अ, लेट दिसंबर अर्ली जनवरी यही होता है डेडलाइन लेट दिसंबर अर्ली जनवरी हर यूनिवर्सिटी फॉल सेमेस्टर के लिए हर यूएस यु, यु, यूनिवर्सिटी में मोस्टली यही होता है डेडलाइन तो आपको दिसंबर तक अपना सब कुछ रेडी रखना होगा ठीक है तो आप क्या करिए फैकल्टी से कभी बात कर लीजिए अगस्त या सितंबर में आप बात कर लीजिए कि मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ आपके अंडर आ, वरना फिर क्या होगा आप उनसे दिसंबर में ही बात करेंगे और दिसंबर में ही आपको अप्लाई करना है सो इट्स इट्स टू लेट ये सब काम आप पहले ही करके रखिए सेप्टेम्बर सबसे अच्छा टाइम है बात करने के लिए या ऑगस्ट बहुत अच्छा टाइम है बात करने के लिए क्योंकि फिर उनको याद भी रहता है जब तक आप अप्लाई करते हैं कि अच्छा हाँ इसने मुझसे बात करी थी तो सेप्टेम्बर इज अ गुड टाइम एकदम पहले ही बात मत कर लीजिए जैसे मार्च में ही मत बात कर लीजिए दिसंबर के लिए सो इट्स इट्स जस्ट स्टूपेड आप बाद में बात करिए अगस्त अर्ली सितंबर सबसे अच्छा टाइम है मैं तो कहूँगी अक्टूबर में भी कर सकते हैं बट सितंबर इज द बेस्ट टाइम सितंबर से एप्लीकेशन खुल जाते हैं दिसंबर डेडलाइन होता है ठीक है दूसरा आइल्स प्रोफल्स का जो स्कोर होता है उसकी दो साल की वैलिडिटी होती है यानी अगर मैंने अभी दिया है जुलाई uh, में तो जुलाई uh, 2024 तक में चौबीस तक एप्लीकेबल है तो ये सारी चीज आप पहले ही करके रख लीजिए अभी ही से दे दो अगर आपको इस साल अप्लाई करना है दिसंबर में तो अभी आप दे दो टोफल और आइल्स देके फुर्सत फारिग हो जाइए कि ये सारे बहुत सरदर्द माता के केसेस होते हैं बस स्कोर कार्ड आपके पास है फाइन बस देखे से फारिग हो जाइए रिक्वेस्टिंग एलोवाज जैसे मैंने पहले कहा कम से कम पंद्रह से बीस दिन पहले का टाइम दीजिए प्रोफेसर को एप्लीकेशन डेडलाइन से वरना फिर वो क्या करेंगे उनके पास एकदम लास्ट में आप कहेंगे उनके पास टाइम ही नहीं होगा वो रिजेक्ट कर देंगे आपके वो रिक्वेस्ट को बहुत मुश्किल मसला हो जाएगा या फिर अगर आपका एलओ आर ने लिखा भी तो एकदम फॉर्मल सा एक पैराग्राफ लिख देंगे यू डोंट वांट दैट यू वांट अ डिटेल्ड आर अबाउट योर ठीक है और लास्ट में क्या है हाँ इसमें लिखा है मैंने अप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो डिसम्बर और जनवरी में होता है तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम फ्रेम रखिए लास्ट इज एप्लीकेशन फी वेवर अगर आप जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन जो होती हैं वो बहुत लंबी होती है uh, मतलब बहुत महंगी होती हैं छः सात हजार रुपए लग जाते हैं तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं लेकिन आपको बाहर पढ़ने जाना है तो दे गिव यू एप्लीकेशन फी वेवर यूनिवर्सिटी अप्लाई फॉर देट तो वो आप देख लीजिए कैसे करते हैं पूरा फॉर्म वॉर्म भरना होता है आपको अपना इनकम जस्टिफाई करना पड़ता है दे फिर वो आपकी फी माफ़ कर देते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा अप्लाई करने में से थर्ड सेकेंड चीज है अगर आपका एक्सेप्टेंस हो गया एक्सेप्टेंस मिलने लगता है एंड ऑफ जनवरी अर्ली फेबर लेट फेबर तक आपको एक्सेप्टेंस मिलने लगता है उसके बाद इंटरव्यू भी लेते हैं वो आपका uh, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लेती हैं इंटरव्यू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू नहीं लेती हैं uh, तो दैट डिपेंड्स तो इंटरव्यू के लिए भी रेडी रहिएगा आपने जो भी लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और थर्ड चीज चीज जो मैं वो कहना चाह रही थी डिपेंडेंस कि आ, अगर आप मेरे जैसे हैं जिनकी फैमिली है जिनके हस्बैंड या वाइफ है और जिनके बच्चे हैं तो आप उनके साथ ही जाना चाहेंगे यूएस आईडी बात है उन छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे तो आप अप, अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को भी ले जा सकते हैं पीएचडी के लिए जब आप करने जाएं डिपेंडेंट्स कौन होते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ और आपके बच्चे जो इक्कीस साल से कम है वो हो गए आपके डिपेंडेंस यू कैन टेक दम अलॉन्ग फॉर श्योर तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पी करने जाए तो आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी आप उनके साथ भी जा सकते हैं फुल्ली अंडरस्टैंड दैट बहुत लोग जाते हैं फैमिली के साथ करते हैं मैं जा रही हूँ फैमिली के साथ अलहमदुल्ला और वो आपको जो है हाउसिंग भी उसी हिसाब से देंगे और वीजा वगैरह सब वो वैसे ही प्रोसेस करवाते हैं तो ये है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एक बार एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो एक अलग नया प्रोसेस शुरू हो जाता है यूएस जाने का भी प्रोसेस वीजा और वैक्सीनेशन हाउसिंग इंश्योरेंसेस वो सब बहुत अलग लंबा प्रोसेस सो दिस इज इट अगर आपका एप्लीकेशन हो जाए तो फिर आप एक्सेप्टेंस हो जाए तो आप तब भी मुझसे बात कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि वीजा वगैरह का काम कैसे करा जाता है दैट्स इट आई थिंक सानिया आप uh,